वाक्य और वाक्य के भेद। शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई वाक्य कहलाती है। वाक्य भेद के दो प्रमुख आधार हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। विधानवाचक वाक्य वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, भारत एक देश है। श्री राम के पिता का नाम दशरथ था। दशरथ अयोध्या के राजा थे। निषेधवाचक वाक्य जिन वाक्यों के कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, राधा कुछ ना कर सकी। प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, ये किसका पुस्तक है? श्री राम के पिता कौन थे? दशरथ कहाँ के राजा थे? आज्ञावाचक वाक्य वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना किया जाता है वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। सदा सत्य बोलना चाहिए। उपदेश, एक ग्लास पानी लाओ। आज्ञा, मुझे अब चलना चाहिए। अनुमति, मुझे एक दिन का अवकाश दे दीजिए। प्रार्थना। विस्मयादिवाचक वाक्य वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है वह विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, आहा कितना सुंदर उपवन है, ओ कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए। इच्छावाचक वाक्य जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, भगवान तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे, नव वर्ष मंगल में हो। संकेतवाचक वाक्य जिन वाक्यों में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है इन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, परिश्रम किया है तो सफलता अवश्य मिलेगी, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। संदेहवाचक वाक्य जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, शायद मैं लॉटरी जीत जाऊं, वर्षा होने की संभावना है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय तथा एक ही मुख्य समापिका क्रिया होती है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे, आधी पढ़ता है, अनिरुद्ध ने भोजन किया। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में दो या अधिक सरल उपवाक्य किसी समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे, वह सुबह गया और संध्या को लौट आया, रात हुई और चांद खिला। मिश्र जटिल वाक्य जिस वाक्य में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। ये उपवाक्य व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े होते हैं। जैसे, ज्यो ही उसने दवा पी वह सो गया। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे।